हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सर अभिषेक कुमार, आई एम योर ऑडियो मेंटर। तो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायो मॉलिक्यूल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिटेल डिस्कस अबाउट बायो मॉलिक्यूल। तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड व्हाट्सएप चैनल माय चैनल। सो प्लीज गो थ्रू व्हाट्सएप चैनल माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back to another new video, an interesting video. So now we discuss about metabolic basis for living. कि living यानी जिंदा रहने के लिए metabolism का basis क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? कि हमको जिंदा रहने के लिए metabolism का क्या importance है? उसके बारे में हम आज discuss करेंगे. So first read what is written in NCERT textbook. After that I will read each and everything, but simple and easy word. So let's begin without wasting any time. तो मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग यानी जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब देखेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, मैंने आपको बताया था। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन अवर बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं कि जैसे हम उसमें एग्जांपल दिखाया गया था हमको कि ट्रैफिक जंक्शन के तरीके है ना, कि जैसे हमारे सिटी में ट्रैफिक जंक्शन होता है उसी तरीके का मेटाबॉलिक पाथवे होता है। इसमें बहुत मेटाबोलाइट पार्टिसिपेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऐसी ट्रैफिक बहुत क्रिस क्रॉस टाइप का ट्रैफिक होगा, यानी एक रिएक्शन एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेगी, है ना। बहुत सारी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, जितनी जितनी रिएक्शन होती हैं सारी गुजारी हम मेटाबॉलिज्म में कंसीडर करते हैं। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो विदाउट एक्सेप्शन सिर्फ लिविंग में ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपल स्ट्रक्चर, है ना। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना, लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपलर स्ट्रक्चर, है ना। मेटाबॉलिक क्या होगा, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकता है वो सिंपल स्ट्रक्चर से, है ना। सिंपल चीज़ों से मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाएगा, क्या बनाएगा, सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स, है ना, और मोर कॉम्प्लेक्स से सिंपल, मोर कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ें बनेंगी मेटाबॉलिक पाथवे में, है ना। तो इसको एग्जांपल में हमको क्या बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में जो कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, बन रहा है, वो क्या है, एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल, है ना, यानी एसिटिक एसिड का कोलेस्ट्रॉल बनना, तो यानी मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हुआ, एसिटिक एसिड जो हुआ ये मोर कॉम्प्लेक्स हुआ, क्या हुआ, मोर कॉम्प्लेक्स हुआ, इससे सिंपलर क्या बनना है, कोलेस्ट्रॉल जो हुआ ये सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, एसिटिक एसिड जो हुआ वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ। आगे क्या है, और लीड टू सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर बनाना, है ना, क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर बनाना, लीड टू ए सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया गया हमको, ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटन मसल, है ना, ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में बनना कहाँ पे बनता है, हमारे स्केलेटन मसल में बनता है। जब ड्यूरिंग हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल फैटिक हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, फैटिक मतलब थकान हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, थकान। जब इनमें थकान हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारी मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाता है एनारोबिक कंडीशन में। कब बन जाता है, एनारोबिक कंडीशन में, जब हमारी स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारी मसल जो होती हैं वो थक जाती हैं। ठीक है, तब फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक, है ना, इन सबको क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक बोलते हैं।
मतलब सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनना, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपल चीज़ें बनना, ये सब किसके अंदर आती हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे के, यानी बायोसिंथेटिक बोलते हैं और उनको एनाबॉलिक बोलते हैं, है ना। बायोसिंथेटिक को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। एना का मतलब होता है, एनाबॉलिक का मतलब होता है, सॉरी एनाबॉलिक का मतलब होता है, एनाबॉलिक का मतलब होता है चीज़ों का बनना, है ना, चीज़ों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, यानी कोई चीज बनेगी, क्या होगा इसमें, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनाबोलिक बोलेंगे। और कोई चीज टूट रही है ना, कोई चीज टूट रही है, कैटाबोलिक का मतलब होगा डिग्रेडेशन, ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब टूटना, कोई चीज टूट रही है ना, कोई चीज़ टूट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक बोलेंगे। यही हमको दो वर्ड बताए गए हैं, एनाबोलिक और कैटाबोलिक क्या होता है, आगे चल के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तब जो बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक का मतलब होता है, सिंथेटिक का मतलब भी होता है कोई चीज़ बनना, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई चीज़ बनेगी, बायो का मतलब होता है लिविंग, है ना, सिंथेटिक का मतलब होता है बनना, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम की बॉडी में कोई चीज़ बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, बायोसिंथेटिक बोलेंगे। बायोसिंथेटिक को और क्या बोलते हैं, एनाबोलिक पाथवे बोलते हैं। और कोई चीज़ टूट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक पाथवे बोलेंगे, है ना। तो द लेटर कंस्टिट्यूट, कोई चीज़ का बनना बायोसिंथेटिक यानी एनाबोलिक, और लेटर कंस्टिट्यूट डिग्रेडेशन, एंड डिग्रेडेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्रेडेशन को क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक पाथवे बोलेंगे। आगे क्या है, एनाबोलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, जब कोई चीज़ बनेगी, स्टार्टिंग में कोई चीज़ स्टार्ट होगी बनेगी तो उसमें क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, एनर्जी हमको अपनी तरफ से देनी पड़ेगी तभी चीज़ वो स्टार्ट होगी, है ना। क्या होगी, एनाबोलिक पाथवे क्या होगा, कंज्यूम एनर्जी, यानी इसमें क्या होगा, एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी, किस फॉर्म में लगेगी, हमारी लिविंग बॉडी के अंदर क्या एनर्जी का सोर्स क्या है, ATP है, यानी ATP को हमको खर्च करना पड़ेगा, है ना, ATP को खर्च करना पड़ेगा तभी वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। एनाबॉलिक पाथवे आर एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, एनर्जी लगती है। असेंबली ऑफ ए प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड रिक्वायर एनर्जी इनपुट, है ना, यानी क्या है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा तो उसमें क्या बनेगा, एनर्जी लगेगी, क्या खर्च होगी, ATP, कंज्यूम ATP, यानी ATP का कंजप्शन होगा, यहाँ पे ATP खर्च करनी पड़ेगी तभी एनर्जी अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगी। और अदर एंड में क्या है, ऑन अदर एंड कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू रिलीज एनर्जी, और कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, जब चीज़ें टूटेंगी, कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, रिलीज एनर्जी, यानी इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जैसे ATP, अब ATP टूटेगा, है ना, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, ये जब टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी इससे, है ना, एनर्जी रिलीज होगी, इसको बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे, कैटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे, है ना। कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे हमको बताया गया है, ठीक है। आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल के लिए हमको दिया गया है, इसमें क्या एग्जाम्पल है, ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटल मसल, है ना। जब हमारा ग्लूकोज किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में, ग्लूकोज किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में, कहाँ पे टूटता है, हमारी स्केलेटल मसल में, ड्यूरिंग, अब ये यहाँ पे नहीं बताया गया कब, तो हम बताते हैं आपको, ड्यूरिंग मसल्स एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, है ना, जिम करेंगे, डंबल उठाएंगे, तो हमारा क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा डिग्रेड हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, ठीक है, और क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, लिबरेट एनर्जी, और एनर्जी हमको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी धीरे धीरे खर्च हो जाएगी, तभी हमारी मसल्स में क्या हो जाती है, थकान आ जाती है, है ना, वही मसल फैटिक हो जाती है, ठीक है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बताया मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड जो होता है, ये 10 स्टेप मेटाबॉलिक स्टेप होते हैं, इसमें 10 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब भी होता है क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा और वो जो टूटेगा 10 स्टेप में टूटेगा,
है ना, ग्लाइकोलिसिस। हम रिस्पायरेशन वाले चैप्टर पे पढ़ेंगे, प्लांट रिस्पायरेशन में बहुत अच्छे से बताएंगे। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है टूटना, मैंने आपको पहले बताया था। लिसिस का मतलब होता है टूटना, है ना। अब यहाँ ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज से, है ना, ग्लूकोज का टूटना। 10 स्टेप प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस में, पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट में, ठीक है। आगे देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लाइब्रेट ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये जो एनर्जी होती है लाइब्रेट होती है, और लाइब्रेट होगी एनर्जी और स्टोर होगी किसके फॉर्म में, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्म में मतलब एटीपी में। एटीपी में इसमें बाउंड कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एटीपी में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, हाई एनर्जी बॉन्ड होती है, इसी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी अपनी, ठीक है। आगे क्या है, एज वी नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर बायोसिंथेटिक ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क डेट वी परफॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एनर्जी जो होगी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी, है ना, और ये जब हमको ज़रूरत होगी तो यही एटीपी के यही बॉन्ड टूटेंगे और हमको एनर्जी देंगे। और वो एनर्जी हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एनर्जी हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, फॉर बायोसिंथेटिक्स, है ना, मतलब कोई चीज़ बनेगी हमारी बॉडी में उसमें हम एनर्जी को यूज कर लेंगे, है ना। ऑस्मोटिक बैलेंस हमारी बॉडी में, है ना, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का बैलेंस बनाए, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए उसमें हम एनर्जी यूज कर लेंगे। मैकेनिकल वर्क को हम फिजिकल वर्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्क, यानी हमको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है, हमको 2 किलोमीटर पैदल चलना है, तो हम अपनी एनर्जी, वो जो स्टोर एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में, वही हमारी बॉडी में बॉन्ड टूटेंगे और हमको एनर्जी मिलेगी, हम उसमें अपना वर्क में यूज कर लेंगे, है ना, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन ए केमिकल बॉन्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको क्या बोले, एटीपी बोले, मैंने आपको पहले बताया था। जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ये एटीपी होता है, इसी के फॉर्म में हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। जब हमारी स्टोर एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इसमें जो बॉन्ड होंगे वो डिग्रेड होंगे यानी टूटेंगे और हमको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी हम बायोसिंथेटिक में यूज कर सकते हैं, अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में कर सकते हैं, या कोई भी मैकेनिकल वर्क करने में जो हम चाहेंगे उस मैकेनिकल वर्क में एनर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव दिस एनर्जी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनर्जी को कैसे ड्राइव करते हैं यानी लेते हैं एनर्जी को, ठीक है। और क्या है, व्हाट स्ट्रेटजी हैव दे इन्वॉल्व, और ये एनर्जी को लेने में, एनर्जी को यूज करने में कौन सी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करते हैं, है ना, किस स्ट्रेटजी से एनर्जी को लेते हैं। हमको पता है कि जब हमारी बॉडी में स्टोर एनर्जी होती है वो हमारी जब बॉडी में वर्क करेंगे हम तो उसमें यूज होगी तो बॉन्ड में, बॉडी के अंदर बॉन्ड टूटेंगे, एटीपी के बॉन्ड टूटेंगे, हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, हमको पता है, ठीक है। हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी इन व्हाट फॉर्म, और इसमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो हमको पता है किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, है ना, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। हाउ डू दे कन्वर्ट इनटू दिस एनर्जी इनटू वर्क, है ना, ये एनर्जी जो स्टोर एनर्जी को ये वर्क एनर्जी में कम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी हमको पता है। जब हम कोई भी मैकेनिकल वर्क करेंगे, कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे, तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, है ना, तो उसके थ्रू क्या होगा, मेटाबॉलिक के थ्रू ये स्टोर एनर्जी जो होगी वो हमको मिलेगी, है ना, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी, बॉन्ड टूटेंगे, हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आगे क्या है, यू विल लर्न, ये हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यू विल स्टडी द अंडरस्टैंड ऑल दिस सब डिसिप्लिन कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आती हैं। कौन कौन सी बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आती हैं, कि एटीपी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी कहाँ से लेते हैं, और कौन सी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करते हैं कि एनर्जी को लेने में, है ना, एनर्जी को कंज्यूम करने में कौन सी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है इनमें, और एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, सारी की सारी चीज़ें। और ये जब
एनर्जी कन्वर्ट कैसे हो जाती है, वर्क में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, बायो एनर्जेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत आती हैं बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेता है, कैसे स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करता है, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और ये स्टोर एनर्जी वर्क में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा बायो एनर्जेटिक्स का स्टेटमेंट नहीं है, है ना, बायो एनर्जेटिक का स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है, बट हमको याद रखेंगे कि सारी की सारी चीज़ों को हम बायो एनर्जेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है, ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे, बट क्वेश्चन हमको आर्टिकल दिया गया है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमको बताया गया था कि एसिटिक एसिड से क्या बनना था, कोलेस्ट्रॉल बनना था, एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना था, ये एसिटिक एसिड जो था कॉम्प्लेक्स था और जो कोलेस्ट्रॉल था वो सिंपलर था, है ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनना था, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड से क्या बनना था, कोलेस्ट्रॉल बनना था, ठीक है, एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना था, तो क्या था यहाँ पे, कैटाबोलिक रिएक्शन थी, ठीक है, ये था कॉम्प्लेक्स और यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल था वो सिंपलर था, ठीक है। उसके बाद क्या था, ग्लूकोज से क्या बनना था, लैक्टिक एसिड बनना था। अब इसमें क्या था, यहाँ पे एनाबोलिक था, यानी एनर्जी देनी पड़ रही थी, एनर्जी यूज हो रही थी, ठीक है, ये एनर्जी यूज हो रही थी, ग्लूकोज जो था सिंपलर था, ये जो था कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। और जो कैटाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है कोई चीज़ टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी, एनाबॉलिक का मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल हमने मेटाबॉलिक ये देख लिया कि मेटाबॉलिक लिविंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्यों जरूरी है, सारी की सारी चीज़ें देख ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लिविंग स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक माय सेशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड, एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, तो प्लीज गो थ्रू अबाउट सेक्शन ऑफ माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। सो प्लीज लाइक शेयर द वीडियो।